दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि आज टीवी इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक चैनल उपलब्ध हैं, जो अपनी पूरी मेहनत करते हैं कि वो दर्शकों का दिल जीतें और कामयाबी पाएं। पर ऐसे बहुत ही कम चैनल्स हैं जो इस चीज में कामयाब हो पाए हैं, और इन्हीं में से एक है जी टीवी, जो आज से नहीं बल्कि करीब 28 सालों से टीवी पर दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। इन बीते सालों में इस चैनल ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन शोज के साथ टीवी के कई कलाकारों को एक पहचान दी है। जहां इंडस्ट्री में 10 कलाकार तो ऐसे हैं जिनके करियर को बनाने में जी टीवी के शोज का काफी अहम रोल रहा, तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको टीवी के उन्हीं 10 अभिनेताओं से रूबरू करवाएंगे जिनका करियर बनाया है जी टीवी के शोज ने। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो एक्टर। नंबर 1, अजित तनेजा। जी हाँ, इस लिस्ट में नाम है अजित तनेजा का, जो आज बहू, बेगम और जिंदगी की महक जैसे शोज के लिए टीवी पर मशहूर हैं। पर आपको बता दें, इस अभिनेता को अगर अपने करियर की शुरुआत करने का मौका मिला तो वो मिला जी टीवी से, जहां इन्होंने कुमकुम भाग्य में पूरब का किरदार निभाया, जो पर्दे पर काफी ज्यादा पॉपुलर रहा, जिसके चलते इसी शो की बदौलत इनका करियर बन पाया। नंबर 2, मोहित मलिक। एक नाम मोहित मलिक का भी शामिल है। जैसा कि आप जानते हैं, मोहित मलिक जी टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो डोली अरमानों की में सम्राट की भूमिका निभा रहे हैं, जिनके इस किरदार ने इन्हें एक नई पहचान दी, जिसके चलते ये टीवी इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर अभिनेताओं में गिने जाते हैं। नंबर 3, गुरमीत चौधरी। टीवी इंडस्ट्री का अगर कोई सबसे ज्यादा पॉपुलर शो रहा है तो वो है पुनर्विवाह, जिसमें यश की भूमिका निभाकर अभिनेता गुरमीत चौधरी ने अपने करियर में 4 चांद लगाए। इस शो के बाद इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि इन्हें फिल्मों में काम करने के ऑफर्स भी आने लगे। नंबर 4, निशांत सिंह मलकानी। जब भी बात होती है टीवी इंडस्ट्री के हैंडसम और यंग टीवी सितारों की, तो उसमें एक नाम निशांत सिंह मलकानी का होता है, जो आज टीवी इंडस्ट्री में कितने पॉपुलर हैं ये तो शायद ही बताने की जरूरत है। पर आपको बता दें, अजित तनेजा की तरह निशांत मलकानी को भी अपने करियर में सबसे लीड रोल निभाने का मौका जी टीवी के शो राम मिलाई जोड़ी से मिला। वहीं इस शो के साथ इन्हें जी टीवी के शो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा से एक और कामयाबी मिली। इस तरह जी टीवी के शोज में काम करके ये आज भी टीवी के पॉपुलर अभिनेताओं में गिने जाते हैं। नंबर 5, ऋत्विक धनजानी। अब बात कर रहे हैं उन अभिनेताओं की जिन्हें सफल बनाने में जी टीवी का हाथ है, तो इसमें भला ऋत्विक धनजानी का नाम कैसे ना आए, जिन्होंने पवित्र रिश्ता शो में अर्जुन की भूमिका निभाई, जो दर्शकों के फेवरेट शोज में से एक रहा है। यही वजह है कि अपने किस किरदार से आज भी घरेलू नाम बने हैं। नंबर 6, शब्बीर आहलूवालिया। इस लिस्ट में अगर अभिनेता शब्बीर आहलूवालिया का नाम ना होता तो ये लिस्ट अधूरी रहती। जैसा कि आप जानते हैं, यूं तो शब्बीर ने अपने करियर में कई शोज किए हैं, पर इन्हें शो से वो कामयाबी हासिल नहीं हुई जो मिली जी टीवी के शो कुमकुम भाग्य से। इसी शो के साथ ये टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम बन गए, जिसके चलते इस लिस्ट में ये 6 नंबर पर हैं। नंबर 7, धीरज धूपर। शब्बीर आहलूवालिया की तरह अभिनेता धीरज धूपर भी आज इस शो के स्पिन ऑफ कुंडली भाग्य से घर घर में पहचाने जा रहे हैं, जिन्होंने शब्बीर आहलूवालिया की तरह ही अपने करियर में कई शोज किए, जिनसे इन्हें पहचान तो मिली, पर आज अगर इन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली है तो वो है कुंडली भाग्य शो, जो हमेशा ही टीआरपी में सबसे ऊपर अपनी जगह बनाए रहता है। इस तरह कह सकते हैं कि जी टीवी के शोज ने ही इनके करियर को बनाया। नंबर 8, शरद मल्होत्रा। टीवी के पॉपुलर अभिनेता हैं शरद मल्होत्रा, जो आज किसी पहचान के मोहताज नहीं। बता दें, शरद आज अगर इस मुकाम पर पहुंचे हैं तो सिर्फ और सिर्फ जी टीवी के शो जी सिने स्टार की खोज की वजह से, जिसमें इन्होंने ऑडिशन दिया। उस ऑडिशन के बाद से ही टीवी इंडस्ट्री में इन्हें काम मिलना शुरू हो गया। नंबर 9, जैन इमाम। साल 2014 में आई शो कैसी ये यारियां से अपने करियर की शुरुआत करने वाले अभिनेता जैन इमाम, जिन्होंने भले ही इस शो से अपने करियर की शुरुआत की हो, लेकिन इन्हें अपने करियर के किसी भी शो में सबसे पहले सफलता हासिल हुई थी वो शो था टच ने इश्क, जिसकी वजह से इन्हें आगे कई और शोज में काम करने का मौका मिला, जिसके बाद ये इस मुकाम तक पहुंचे। नंबर 10, रवि दुबे। इस लिस्ट में आखिरी नाम शामिल है अभिनेता रवि दुबे का, जिन्होंने जी टीवी पर 12/24 करोल बाग, जमाई राजा और रणबीर रानो जैसे एक से बढ़कर एक शोज में काम किया। जी टीवी के इन्हें शोज की वजह से आज ही अपने करियर में इतने सफल हुए।
रवि दुबे के करियर का आज भी अगर कोई शो सबसे बेस्ट माना जाता है तो वो है जमाए राजा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जी टीवी के शो ने इनका किस कदर करियर बनाया। तो दोस्तों, इन सभी अभिनेताओं में से आपके फेवरेट अभिनेता कौन से हैं? क्या आपको भी लगता है कि इन अभिनेताओं के करियर को बनाने में जी टीवी का हाथ है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी ही मजेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।